गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, तो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। और अभी आप देख रहे हो कि मैं लिटरली अपने नाइटी में ही रह रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर भुवनेश्वर में। टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मे बी कैमरा पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी धूप निकल चुकी है। और उड़ीसा का वेदर है ना, काफ़ी अजीब है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब धूप अगर ना भी हो तो इतनी ज़्यादा चिपचिपाहट होती है कि आप ऐसे ही इरिटेट हो जाओगे। एंड दिस इज़ द व्यू, मतलब लिटरली मैं हर मॉर्निंग इसी व्यू के साथ उठती हूँ। पता नहीं ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो रिवर व्यू दिखता था वो बिल्कुल चला गया है। तो लिटरली इसी व्यू के साथ मुझे हर रोज़ उठना पड़ता है। एनीवेज, आई एम जस्ट हाइड्रेटिंग माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग माई संडे रिचुअल्स, यानी कि आज क्लीनिंग वगैरह करना है, डीप क्लीनिंग एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि चलो उससे पहले अच्छे से पानी वानी पी के थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग को। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू याशु कि आज बड़ा लेजी सा लग रहा है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट यू नो व्हाट, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक संडे होता है और उसी में सारे काम खत्म करने होते हैं। क्योंकि मंडे टू सैटरडे ऑफिस होता है, जिम होता है, तो उस टाइम पे ना मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता ये सब करने का। तो मैंने बस सबसे पहले अपना बेड ऑर्गेनाइज कर लिया है, और अभी फिलहाल मैं मैट्रेस डाल के नीचे ही सोती हूँ। कुछ पार्सल भी आए हुए थे, मुझे ये थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करने थे, जहाँ पे मैं एक एम्प्टी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ, और कुछ नायका के पार्सल हैं तो अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाली हूँ। और साथ ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप का भी ख्याल रखते, तो मुझे नेल पॉलिश रिमूव करना है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि चलो चाय बिठा देते हैं, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं नेल पॉलिश वगैरह रिमूव कर लूँगी, क्योंकि संडे मॉर्निंग विदाउट टी इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने फटाफट से अपना जो नेल पॉलिश है पहले उसको रिमूव कर लिया। मैंने सोचा कि बाद में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, बट पहले इसको रिमूव तो कर लूँ, क्योंकि पता नहीं संडे होता ना तो बहुत सारे काम छोटे छोटे एकदम से याद आ जाते हैं। क्लीनिंग होती है, उसके बाद कुछ अगर शॉपिंग वगैरह है, ग्रॉसरी शॉपिंग या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉपिंग, या कोई ऐसी चीज़ जो कि मार्केट से लाना हो, तो वो सब काम हम संडे को ही रखते हैं। तो लिटरली मैं जब ये कर रही थी, नेल पॉलिश मूव कर रही थी, तो मी एंड याशु वी वर लाइक प्लानिंग फॉर द डे कि आज हमको दिन में क्या क्या काम खत्म करना है। और संडे कभी भी मुझे संडे के जैसा फील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि संडे सबसे ज़्यादा टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग होता है मेरे लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट गेट वन संडे और उसी में ही सब कुछ खत्म करना होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा डस्ट जम गया, जबकि मैं वीकडेज में भी बीच बीच में क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे आई वॉज जस्ट शोइंग यू कि मैंने बेड नहीं खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं, एंड आई एम स्टिल यू नो फिगरिंग आउट कि मुझे क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। पता नहीं मैं कब तक हूँ यहाँ पर, कभी शिफ्ट हो जाऊँ तो फिर सामान लेके शिफ्ट होना मुश्किल होता है। और आज की चाय बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर याशु मुझे लिपस्टिक दिखा रही है, जो कि 3300 का है, एंड शी वाज टेलिंग मी कि इट्स सच अ प्रिटी कलर, बट यार प्राइस भी इतना महंगा। मैंने कहा इतने में मैं 5 लिपस्टिक खरीद लूँगी। और यस, अभी आजकल है ना मेरे थोड़े से पिंपल्स से आ गए हैं, क्योंकि मैं आम भी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट माई वर्क, मतलब क्लीनिंग वगैरह संडे का, तो मैं थोड़ा अच्छे से सर में ऑयल लगा लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। और गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो आई एम जस्ट गोना पुट सम ऑयल इन माई हेयर, ताकि अच्छे से फिर उसको वॉश कर सकूँ। और आज संडे है, और संडे का जो रूटीन होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन एनी अदर डेज़ रूटीन, क्योंकि संडे मैं बहुत ही चिल टाइप्स यू नो काम करती हूँ। अदर डे मेरा सब कुछ एक रूटीन में चलता है, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू ड्रिंक योर मॉर्निंग ड्रिंक, देन यू नीड टू डू सम वर्कआउट, क्लीनिंग, खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, मतलब हर कुछ एक रूटीन में चलता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। बट संडे यूजुअली मैं बहुत ही चिल रहती हूँ। अदर डे में मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ, बट आज मैं 6:30 को उठी हूँ, क्योंकि इट्स संडे। तो थोड़ा बहुत काम मैंने किया है, तो जस्ट बेड वगैरह बनाया है, नेल पॉलिश वगैरह रिमूव किया,
और अभी बस हेयर ऑयल करने के बाद ना आई डू द क्लीनिंग वर्क, क्योंकि क्लीनिंग सबसे ज़्यादा टाइम लेता है यहाँ पर। ये 2 BHK अपार्टमेंट है और इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि मतलब हर एक सामान को हर 2 दिन में अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है, अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। सो इट्स गोना टेक सम टाइम एंड ऑफ कोर्स याशु है, याशु मेरी हेल्प करेगी तो हम दोनों मिलके करेंगे। बट हेयर ऑयल के लिए आई एम यूजिंग दिस साफा का ब्लैक सीड ऑयल और ये कलौंजी हेयर ऑयल है, बहुत ही अच्छा है ये। बट गर्मियों में मैं नॉर्मली कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, अभी ख़त्म हो गया है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा थिक है, तो गर्मियों के लिए मुझे थोड़ा लाइट हेयर ऑयल चाहिए, तो बस थोड़ा सा मैंने लिया। मैं अच्छे से बस स्कैल्प में ही मसाज करूँगी, उसमें मैं डालूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं कोकोनट ऑयल में भी इसको मिक्स करके लगाती हूँ। सो नॉर्मली आई यूज़ DIY हेयर ऑयल, मेथी, कलौंजी और क्या बोलते हैं उसको, करी लीव्स डाल के, बट अभी मैंने वो बनाया नहीं है क्योंकि कोकोनट ऑयल ख़त्म हो गया है। माई स्कैल्प इज़ सो इची, मतलब वॉश नहीं किया है करके। आई नीड टू गेट समथिंग फॉर लाइक, ऐसे डैंड्रफ नहीं है बट थोड़ा सा ऐसा फ्लेकी स्कैल्प हो गया, ड्राई हो। आई एम जस्ट थिंकिंग टू गेट वन ग्लाइकोलिक एसिड टोनर जिससे स्कैल्प को एक्सफोलिएट कर सकूँ, तो जल्दी ही एक उसको लेके मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्योंकि एक तो मेरे हेयर ऐसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और भी ज़्यादा ड्राई कर देते। मे जस्ट शो यू माई हेयर ग्रोथ अपडेट। If you can see, this area was like बहुत ही खाली हो गया था and I used like Tria for almost 6 months and it did nothing. मैं उसका full review डाल लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा misleading advertisement है उसका, but it does nothing for your hair growth. But the one I'm using अभी वो hair growth serum, that is working pretty fine and I have been using that one also for last I think 4 months. अभी मेरा 4th या 5th बॉटल चल रहा है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। थोड़ा सा डेंसिटी हेयर का इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट 4-5 months के लिए आई थिंक आई शुड ट्राई इधर पिलग्रिम और विश केयर, क्योंकि यू नेवर नो, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि वॉट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू। और अभी बस एक क्विक सा मसाज देंगे ताकि, क्योंकि मैंने देखा है कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में हेड मसाज, जो स्कैल्प मसाज होता है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, पूरी तरह से भीग गई हूँ मैं, तो व्हाट आई एम गोना डू, और कैमरे की बैटरी भी ऑफ हुई है, सो ऑफ कैमरा जाके मैं फटाफट से अपना क्लीनिंग का टास्क ख़त्म करती हूँ, बिकॉज आई नीड टू डू झाड़ू पोछा और थोड़ी सी क्लीनिंग, किचन क्लीन करना, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश ऑल दैट एंड देन कम बैक, बाय। एंड आई एम जस्ट हैविंग अनदर कप ऑफ टी, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची यार। अ फ्यू आवर्स लेटर। Made me wanna leave, made me wanna die. It was all a dream, got lost in your eyes. I could never leave when you were by my side. You always made me feel like I was in hell. Hope, baby, you feel like torture. After all this time, you're just alive.
ओके सो फाइनली आई एम डन विद क्लीनिंग एंड आई जस्ट टुक शावर और अभी मैं मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ एंड आई जस्ट यूज वन हाइड्रेटिंग टोनर क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और गर्मियों में ना मतलब मुझे थोड़े से एक्ने के इशू होते रहते हैं. उसके बाद आई एम अप्लाइंग दिस स्नेल म्यूसिन बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज जस्ट आई मीन इट वर्क्स लाइक मैजिक. आई एब्सोल्यूटली एंजॉय यूजिंग दिस प्रोडक्ट. और उसके बाद मैंने ये रिवेला का पेप्टाइड सीरम यूज़ किया. इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है और दिस इज़ लाइक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. उसके बाद मैंने ये सनस्क्रीन लगाया प्लम का और सच बताऊँ तो पहले मुझे ये वाली सनस्क्रीन है ना बहुत अच्छी लगी थी बट अब मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही है. मतलब इससे ज़्यादा बेटर वो डर्माको वाली है और डॉक्टर शेट की जो मैं यूज़ कर रही थी. देन आई अप्लाइड माई अंडर आई क्रीम जो कि मिनिमलिस्ट का है, बहुत ही अच्छा है. उसके बाद आई जस्ट अप्लाइड सम लिपस्टिक क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर. As I told you, my days are very unpredictable, so I have to go out क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है. एंड ऑल्सो आई वॉज प्लानिंग टू फिल्म दिस वीडियोज़. ये अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं एंड दोज आर एम्प्टीज वीडियो बट अभी मुझे जाना पड़ेगा तो लेट्स सी आने के बाद हो पाता है कि नहीं. A few hours later. Hello everyone, welcome back. तो मैं आ चुकी हूँ. मतलब मैं कब का आ गई थी बट मैं सो गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी ना. मतलब धूप से आने के बाद मुझे थोड़ा सा हेडेक होने लगा सो आई जस्ट टुक रेस्ट. रेस्ट क्या, मैंने वो जो शॉर्ट्स वगैरह वीडियोज़ बनाने थे आगे पहले बैठ. रेस्ट क्या, मैं वीडियोस बना रही थी आके वो शॉर्ट्स वगैरह जो फिल्म करना था मैंने वो सारे कर दिए और उसके बाद करीब एक घंटा मैं रेस्ट ले रही थी. अभी टाइम ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और मुझे जाना है मार्केट क्योंकि कल मेरा ट्रैवल प्लान है और मुझे कुछ सामान खरीदना है. तो मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी मार्केट के लिए बट उससे पहले मैं पीऊँगी अपनी इवनिंग चाय और फिर फटाफट रेडी होकर निकलते हैं. लेट्स सी. Feel like you could love me.